कि ये जो आपने बताया ना कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स का 12%, अभी क्या होता है कि उससे आगे जाके गावी, नाउ गावी आल्सो फंड्स WHO, गावी करता है। अब गावी में फिर से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दूसरे वेलकम ट्रस्ट उसमें आता है, मगर वेलकम ट्रस्ट अगेन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो आप समझे जो दूसरे भी हेड्स है, ये आपने प्योर बिल एंड मिलिंडा गेट्स का बताया, मगर जो अभी दूसरे जैसे गावी है, फिर दूसरा एक पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क है, उसमें प्योरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज डोनेट करती है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, तो आप ये जो 12% दिख रहा है ना, उससे भी गावी, फिर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस फ्रेमवर्क, और इससे आगे क्या होता है, इससे आगे जो अभी तक जो इवन 20% जो हम बोलते हैं कि हर देश का कॉन्ट्रीब्यूशन है और हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव उधर जाता है, मगर हमको पता है हमारे देश की गवर्नमेंट भी तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रेशर में है। उधर आदर पूनावाला जी बोलते हैं इसको परमिशन मिल जाएगा, बच्चों का शुरू हो जाएगा, और दूसरे दिन हो जाता है। तो अल्टीमेटली परसेंटेज बता देते हैं डॉक्टर माया, मेरे पास वो परसेंटेज है जिसकी हाँ। बात आपने की जिक्र, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जो 2021 में जो 2000 अकेले 21 की बात पे कह रहा हूं, जो जनरल अलायंस, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन जिसको आप गावी कहते हैं, वो गावी का जो डोनेशन है 2021 का, वो $8.8 billion है, $8.8 billion का है, रिकॉर्ड इन फंडिंग फॉर 2021 to 2020। अब आप समझिए ये गावी का जो टोटल फंडिंग दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2021 से लेकर के 2025 तक का इनका एजेंडा है। सो द ग्लोबल साइंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 2021 to 2025, there is a fund allocated for this program that is $8.8 billion, doctor. और क्या होता है कि जो अभी एक जमाने में WHO पर, जैसे हम डॉक्टर बनर्जी सब मान रखते हैं कि उसका डेफिनेशन जो हेल्थ का था, उसमें आप ये देखिए, गावी मींस ओनली वैक्सीन, हेल्थ जो एक प्रॉपर ओवरऑल आपका मेंटल एंड फिजिकल एंड वेलबींग उसमें से है, अब हेल्थ हो गया वैक्सीनेशन। उसी तरह पेंडेमिक प्रिपेयरनेस फ्रेमवर्क, वो भी बस पेंडेमिक वायरस जैसे, उसके सिवा हेल्थ में और कुछ है ही नहीं। और वो मतलब पूरी दुनिया को, अब आपको हेल्थ मतलब फूड नहीं, हेल्थ मतलब एक्सरसाइज नहीं, हेल्थ मतलब अच्छा घर नहीं, हवामान नहीं, हेल्थ मतलब वैक्सीन, ये रास्ते पर ले जा रहे। हम देखते हैं उसका आगे फिर क्या होगा। अभी तो खाली हम आपको ये बतला रहे हैं कि WHO इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और उसके बारे में हम आपको ये सारे सबूत दे रहे हैं कि क्यों WHO को आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। अभी बहुत परत खोलने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बातचीत डॉक्टर, दोनों डॉक्टर से करने वाले हैं। WHO के बारे में और क्या क्या आरोप लगे हैं, जरा ये जो अभी के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, पहले उस पर बात करते हैं। बहुत बड़ी बात करने वाले हैं ट्रीटी को लेकर के, बहुत बड़ा ड्राफ्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो गैब्रियल टेड्रोस है, ये व्यक्ति है कौन, और इनके ऊपर इतने आरोप लगने के बाद भी दोबारा इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया गया, ये कितना शानदार व्यक्ति होंगे। अब जरा इनको लेकर के हमारे सेनेटर जी क्या कह रहे हैं, जरा वो वीडियो बाइट सुन लीजिए। टेड्रोस गेब्रेयेसस, previously health minister of a terrorist organization called the Tigray People's Liberation Front, where he used international aid to buy power and punish his enemies. The regions of Ethiopia that Tedros starved for medical supplies suffered disastrous cholera epidemics in 2006, 2009, 2011. Independent investigators found Tedros was, quote, fully complicit in the terrible suffering and dying that spread in East Africa. He's a killer. WHO is rotting from the head.
Last week, Associated Press reported on the WHO sex crime scandal, where WHO staffers sexually exploited girls and women during the Congo's recent Ebola outbreak. Inhuman. At least 83 WHO staff engaged in abuse, including rape and forced abortions, with victims as young as 13. WHO refused to fire the perpetrators, using the absurd argument their actions didn't violate WHO's sexual exploitation practice policies because the victims were not receiving WHO aid. आर्गुमेंट देखिए डॉक्टर बैनर्जी, वो कह रहे हैं कि WHO का एड कोई विक्टिम ने अगर नहीं रिसीव करता है तो उसके खिलाफ अगर कोई वो आरोप लगाता है तो उसके हम जांच पड़ताल में नहीं जाएंगे। सेक्सुअल आरोप हैं इनके ऊपर।